मध्य प्रदेश में लगातार अवैध खनन माफिया के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। जनता की रक्षक पुलिस खुद ही असहाय नजर आ रही है। माफिया मुरैना जिले में पत्थर माफिया के हौसले बुलंद। थाना प्रभारी रामबाबू यादव को जान से मारने की कोशिश। मध्य प्रदेश की यह पहली ऐसी घटना नहीं है जहां पर माफियाओं ने किसी पुलिस अधिकारी या आरक्षक या किसी एएसआई को मारने का प्रयास ना किया हो। कुछ ही समय पूर्व शहडोल जिले के ब्योहारी में एक एएसआई को इसी प्रकार ट्रैक्टर से कुचलकर मार दिया गया था। उसके बाद भी नहीं जागा शासन प्रशासन, कुंभकर्ण की नींद सोते अधिकारी। खनिज विभाग मानो मुख दर्शक बना हुआ है। खनिज विभाग को नहीं है जानकारी कहां कहां हो रहा है अवैध खनन। कार्रवाइयों के नाम पर छुटपुट लीपा पोटी करते और पल्ला झाड़ते विभाग। किसके संरक्षण में खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए माफिया सक्रिय हैं और किसी की जान लेने से भी नहीं डर रहे हैं। अवैध पत्थर के ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ने पहुंचे थे सिविल लाइन अधिकारी प्रभारी मारी टक्कर। थाना प्रभारी पकड़ने पहुंचे थे पत्थर की ट्रॉली। ट्रॉली पकड़ने के दौरान हुई घटना। घायल हुए टीआई को उपचार हेतु जिला अस्पताल में किया भर्ती। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद। पुलिस ने अवैध पत्थर से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली किया जब्त। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। भोपाल से मुकेश सिंह की रिपोर्ट।